मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? उत्तर, फादर बुल के देवदार वृक्ष के समान थे। जैसे देवदार का वृक्ष विशाल और छायादार होता है, फादर बुलके का व्यक्तित्व भी देवदार की तरह था। जो भी उनकी शरण में आता उसे शांति और सुकून देते हैं। वे अपनी मधुरता, आत्मीयता और आशीर्वाद से सबको प्रसन्न करते हुए सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। वह मानवीय गुणों से भरे हुए थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना भरी थी। उपर्युक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर कामिल बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया मेरा देश तो अब भारत है। प्रश्न, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर बुलके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुलके भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। यह निम्नलिखित कारणों द्वारा स्पष्ट होता है। एक, फादर बुलके से अपने देश के बारे में पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। दो, उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। तीन, उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। चार, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। पांच, वह परिमल नामक संस्था से जुड़े रहे। छह, वह जहां तहां हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। सात, हिंदी की उपेक्षा पर वह बहुत दुखी होते थे।